तो 3-6 कविता इज नॉट जो ए भाई वीडियो ऑन कर फटाफट सम चालू कर दिया आपने। ये प्योर वेज रेस्टोरेंट इन साउथ मुंबई, शीतल पटेल प्योर वेज साउथ मुंबई, साउथ साइड टाउन साइड। शीतल प्योर वेज रिकमेंड कर सकते हो आप लोग। फॉर जर्नल कम्स हम एक सम को कवर कर सकते हैं तेज ते तारादी जो है जो मैंने प्योर वेज रेस्टोरेंट क्या नहीं सर, टाउन साइड का पची नॉट इन कांदिवली बोरीवली मलाड। सर यू टेल मी प्लेस, आई नो ऑल द रेस्टोरेंट्स, लोअर परेल मा गो टू एपिटोम, रिसो, इथाका, टाउन मा मतलब प्रॉपर टाउन मा देर इज स्पेसो, स्टेटस, रेलिश, सम्राट, प्योर वेज। Which is the best one if I'm going only in one case? And You, yeah. what type of cuisine you want to have? International ने बदु के इंडियन ने वो इंडियन मतलब रोटी सब्जी थाली ने वो बदु खासा ये वो तो नहीं पन से इंडियन फूड पाव भाजी चाहिए गुड इंडियन फूड। स्टेटस 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 तो यार स्टेटस एक जगह अच्छे जहाँ गया हाँ से हमने लगभग स्टेटस तो पछी नवो ट्राई करो ना, कहते ना क्वेसो की थी राइट। क्वेसो इज इन अंधेरी, अच्छा क्वेसो इज इन अंधेरी, ये भी सारी छे मैं बद्दू मारे छे, पंजाबी मारे छे, इटालियन, मैक्सिकन, एवरीथिंग, बट इफ यू वांट टू हैव अदर देन नॉर्मल रोटी सब्जी तो ट्राई स्पेसो, इट हैज इटालियन, मैक्सिकन, लेबनीज, वेरी गुड फूड, प्योर योर वेज तुम्हारे वेज, प्योर वेज। नाम की था ना लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। मैंने व्हाट्सएप पर लखीन मोकली से चार पांच हाँ नाम व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो, ठीक मुझे तो फॉरवर्ड देना मेरा फ्रेंड्स तो पाए हुआ है। है। कितना आगे एनीवेज रहो, 1 कलाक वेटिंग है, से अगर तुम्हें 8-9 आगे पहुंचो तो काय बुकिंग जो का कॉन्सेप्ट है ना जी नहीं, तो क्या वेटिंग ना होए टाउन जैसो लोअर पर ले तो वेटिंग बदी लगा, पर 1 कलाक मिनिमम पकने चालो, 8 वगैरह बची। छोड़ भाई अपने को उतना टाइम ही दे जवाब। आ बड़ी जगह भी छे, यू रीच एट आई डोंट गो 7 तो ओनली मर ऑन गया। वीकेंड्स मैं कभी जिंदगी में नहीं जाता खाना खाने वाला लेकिन अभी दोस्त लोग सबको वीकेंड ऑफ होता है ना। सेवन चल मैं 9:30 आगे पूछो तो मड़ी से, बट 7 to 9 नु जो अच्छा नु छे ने मिनिमम 1 आवर वेटिंग। छोड़ जाने दे थोड़ी मैसेज हाँ करके रख दे मैं उनको मैसेज करता हूँ अगर कुछ होता है तो ठीक है। मेरे कांदी वाली बोली में तो ऐसे रेस्टोरेंट्स हजार तो द आइडिया फॉर गोइंग आउट इज नॉट ईटिंग फूड एंजॉइंग द एम्बियंस एंड द यस सर, लोकैलिटी। तो बाकी फूड तो इधर अच्छा है ही इस फूड के लिए एंड आई डोंट ईट एनी आई डोंट वांट टू ट्राई एनी इंटरनेशनल फूड्स आई हैव नो इंटरेस्ट टू दैट जे फावे छे गमे छे खावानो फिनिश्ड। क्योंकि क्या होता है ना जैन ढूंढना बहुत भारी पड़ता है तेज नॉन जैन को अरे प्रॉब्लम नहीं। सर स्टेटस ना बाहर से ने ओलू देखा, बस बाहर वेटिंग एरिया से जहाँ डोसा ने हाँ जूस मारे से त्या से ने एक हाँ जो अमृतसरी कुलचा ने ना रेशमी पराठा ने एक आई तो मारे से, तो मैसेज करी थी याद करी ने, बहुत हाँ मस्त है स्टेटस ना बाहर जो वेटिंग एरिया से जहाँ डोसा ने जूस सर्व कर से त्या बेस्ट है नो।
શું કહેવાય છે ને, તમને મેસેજ કરું છું, યાદ આવી ગઈ. ચલો બેટા, ક્વેશ્ચન નંબર 10. કવિતા બેટા, ક્વેશ્ચન નંબર 10 સે શરૂ કરના હે મુજે પહેલે. આઈ થિંક આપને 8 કહા થા મુજે, રાઈટ? 8 સે શરૂ કરના. ક્વેશ્ચન નંબર 8 થઈ ગયો છે ને. અચ્છા, 10 સે શરૂ કરના હે. 10 સે ક્વેશ્ચન નંબર 10 તેજ શરૂ કરતા હું. Shares of voyage are being quoted at a price earning ratio of 8 times. Given data mein P ratio diya hai 8 times. The company retains 45% of its earnings, which is rupees 5 per share. ये तुरंत आ गया, रुक जा अभी एक सेकंड. सर 31 बाकी छे, आपने 33 कर्यो तू सवार ना. हां हां हां, मने खबर, मने लिस्ट आवी गयो आपको. ओके ड्रोनल, जल्दी चल, चालू कर क्वेश्चन नंबर 10. ड्रोनल तो राइट द डेटा यार. प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स, रिटेंशन पर शेयर रुपीज 5, रिटेंशन पर शेयर रुपीज 5 एंड रिटेंशन रेशियो इज 0.45. हेलो, retention ratio is 0.45. चलो, कैन आई से दैट तेज, सुन, अगर तेरे पास रिटेंशन पर शेयर रुपीज 5 है और उसका परसेंटेज 0.45 है, तो टोटल अगर मैं डिवाइड करूंगा मुझे ईपीएस मिल जाएगा. हेलो, तो ईपीएस को अगर मैं पी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मार्केट प्राइस पर शेयर भी मिल जाएगा. डू यू एग्री? तो मार्केट प्राइस पर शेयर को हम क्या बोलेंगे पता है? P0. हेलो, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट the cost of equity to the company if the market expects a growth of how much? 15%. तो पहले तो क्या करना है पता है तुम लोगों को? What would be the formula? K is equal to what? D1 upon P0 into 100 plus G? Yes, sir. Hello. Keep your videos on, everyone. Keep your videos on. चलेगा, तुम लोग थके होंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को मेकअप करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं किया मेकअप. चल जल्दी आ जा, तू जस्ट आया ना बेटा. चाय भाई, मम्मी ने चाय भाई दिया, नाश्ता किया कुछ, तेरे को वो क्या बोलता है, आम पन्ना दिया. आम पन्ना मराठी का फेवरेट, ऐसा कुछ बोलू मम्मी को कि कुछ ठंडा वंडा दो उसको, पढ़ने बैठा. ठीक है, तो द फर्स्ट पटेल ने तो क्या, पटेल ने ढोकला खाया होगा ना पूरा दिन. चीज तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, फॉर्मूला है, सुनो मेरी बात, D1 अपॉन P0 इनटू 100 प्लस G. ना D1 है ना P0 है, सिर्फ G है, बराबर? सुन, अपन फॉर्मूला लिखेंगे K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इनटू 100 प्लस G. तो लिख लो पहले क्वेश्चन नंबर 10 में, खाली फॉर्मूला लगो K is equal to D1 upon P0 into 100 plus G. देखा? अब जोनल सुन, राइट, नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1. Computing D1 and P0. Computing D1 and P0. अब देख, उन्होंने बोला है कि तेरा रिटेंशन रेशियो 5 रुपी, रिटेंशन वैल्यू 5 रुपया है और उसका प्रोपोज 45% है. तो क्या करेगा पता, शीतल, अपन नीचे लिखेंगे ईपीएस इज इक्वल टू, सुन, ईपीएस इज इक्वल टू रिटेंशन पर शेयर अपॉन रिटेंशन रेशियो. क्या लिखा मैंने? ईपीएस इज इक्वल टू वॉट रोनल? रिटेंशन पर शेयर कितने रुपया? 5 रुपया.
डिवाइड बाय व्हाट? रिटेंशन रेशियो इज हाउ मच? 0.45. हेलो, जिसको ये ना समझाओ ऐसा भी कर सकता है. देख सीजर, मैंने क्या लिखा, ईपीएस माइनस डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू व्हाट? रिटेंशन पर शेयर. बराबर, अगर तेरा ईपीएस 1 रुपया है ना बेटा, तो उन्होंने क्या बोला था, व्हाट इज रिटेंशन वैल्यू? 0.45. तो तेरा 0.55 क्या है? डिविडेंड पेड. बोला हाया ना. अब वो क्या कह रहा है, हमें पता है रिटेंशन पर शेयर की वैल्यू कितनी है शीतल, इन वैल्यू टाइम्स 5 रुपीज. तो अगर वो 5 रुपया है तो ईपीएस कितना होगा? तो 5 × 1 / 0.45. हेलो, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये कितना आया, 5 / 0.45 कितना हो रहा है? माइनस तेरा डीपीएस कितना? 6.11. तो तुझे क्या मिल गया? आरपीएस मिल गया. आर यू क्लियर विद दिस? क्या इज इट, मेरे को नंबर्स अलग क्यों लग रहे? अलग मतलब ऐसा नंबर आ रहा है क्या जेन्युइनली? 40. हाँ सर, 11.45 है ना, अगर 0.5% लेंगे, मतलब 50% लेंगे तो बराबर हो जाएगा. 11.11 × 0.55 बराबर है. वेरी गुड, ये आ गया. हेलो, एमपीएस इज इक्वल टू, सॉरी, पीई रेशियो એટલે શું શીતલ? MPS upon EPS. Therefore, MPS nothing but what? PE ratio into EPS. Whatever. What is the PE ratio in the question? 8. Into EPS, 11.11. What is my MPS? Kitna aaya? 88.88. अब तेरा पास ये जरा क्या बन गया बेटा, अगर वो पी जीरो थे क्यों, सो थे क्यों, 88.88. नाउ यू हैव गॉट योर पी जीरो, यू हैव गॉट वो डिविडेंड. नाउ व्हाट यू कैन डू, के ई इज इक्वल टू डी वन, दैट इज 6.11. व्हाट इज द ग्रोथ रेट? What is the growth rate? 8%. 1.15 divided by P0, 88.88 into 100 plus 15. कितना आ रहा है? भाई हो गया. एक खाली नोट लिखना है, एक नोट लिखना है, क्या आया आंसर? 22.9. एक नोट लिख लो, रेड कलर जो कलर करना है वो. एज पर आईसीआई सॉल्यूशन द डिविडेंड ऑफ रूपी 6.11 is considered
ડિવાઇડેડ ઓવર સિક્સ પોઈન્ટ વન વન is considered as d1 instead of d0. समझा मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन के अंदर इसको डी वन, अभी मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है उसको डी वन मानू के डी जीरो, ये आपके आपके आपको समझ में आता है डी जीरो कब मानना चाहिए डी वन कब मानना चाहिए। अभी उन्होंने जो लिखा है वो मैंने दे दिया, आप चाहो तो उसे सेम आंसर आता है तो फिर वो कंटिन्यू करो, सेम डेटा नहीं है तो फिर मेरा मेथड कंटिन्यू करो, सेम टू सेम डेटा है तो उनको कंटिन्यू करने में फायबिलिटी है। अब सेकेंड क्या पूछा है, द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20% एंड द ग्रोथ रेट इज 19%, फाइंड आउट द प्राइस। सेकेंड पार्ट में प्राइस पूछा है विथ के ई ऑफ 20 एंड ग्रोथ ऑफ 19%, राइट? यार दिमाग लगाना नहीं है, क्या करेंगे इसके अंदर दोनों हम लोग, हमारा डी वन जो है हेलो वापस ढूंढेंगे अपॉन के ई माइनस जी कर देंगे, 20.20 का के ई और 0.19 का ग्रोथ, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। शीतल पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, डी वन कैसे ढूंढोगे पता है? अभी जो आपका आया था 6.11 इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय के माइनस जी, क्या करेंगे 6.11 इंटू 1 प्लस जी अपॉन के माइनस जी, जी कितना होगा 19%। आ गया आंसर, आ गया क्या? चले भाई लोग वीडियो ऑन रखो, आंसर बोलो क्या आया? 727.0। तेज तेरे को क्या आया? शीतल तेरे को क्या आया? तेज कविता बेटा आपको आंसर सबसे पहले देना है, पहले सबसे पहले कविता
चले भाई बोल, क्या हुआ? ये सही आंसर, D1 तेरा डिविडेंड जो पहले से था उसमें ग्रोथ एवरेज का डिवाइड बाय ए माइनस जी का। 101.39। क्या किया तूने? सिर्फ तेरा तेरा सर KV2 का 22.99। के के तो वो आ गया सेकंड पार्ट में, के की था 20% है। वो 19 है। अरे सर मैंने डेटा मिक्सअप कर लिया। सेकेंड पार्ट में तेरा की 20 है और ग्रोथ 19 है। क्या कर पता है? 6.11 × 1.19 डिवाइड बाय 0.20 माइनस 0.19। हेलो, हाँ सर, सिक्स पॉइंट वन वन इंटू 1.19 डिवाइड बाय 0.20 इतना के माइनस जी 0.19। सुनो क्या आ रहा है इसका आंसर? 727.0। हो गया क्या तेज? नेक्स्ट सम पे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट सम में आई एम बी फोकसिंग ऑन माय टेक्स्ट बुक, तुम लोग तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे। चलो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा है अभी? ठीक है, आपके बुक में भी आप देख सकते हो, शेयर्स ऑफ टेंशन फ्री लिमिटेड। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन? द शेयर्स ऑफ टेंशन फ्री इज करंटली कोटेड एट पी रेशियो ऑफ 7.5 टाइम्स। द अर्निंग्स पर शेयर, रिटेन अर्निंग्स पर शेयर 37.5 इज ₹3। एग्जैक्टली सेम डेटा ऊपर भी था जर्नल। फाइंड द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द इन्वेस्ट एक्सपेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ 12%। पहला पार्ट। सेकेंड, द ग्रोथ इज 13, फाइंड आउट द प्राइस विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो पहले आया होगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18 एंड द ग्रोथ इज 15, कैलकुलेट द प्राइस अज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम। कैन यू ट्राई दिस और नॉट? सेम आंसर क्वेश्चन है जो ऊपर किया अपन ने विद न्यू वैल्यूज। हेलो स्टार्ट। इसे ईपीएस कम इन ₹8, इनका ईपीएस आ गया, ईपीएस ₹8 आना चाहिए। कविता, आपका मार्केट प्राइस आएगा ₹60। ईपीएस ₹8, मार्केट प्राइस ₹60। ए प्राइस क्या है? 60 आया क्या? अब ब्रोनर बोलो क्या कर देना डिविडेंड को ग्रोथ ग्रोथ
से ऐड नहीं कर असम में सिखाया बराबर उस बारे में कि दे डोंट ऐड ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ इसमें ऐड किया ना आईसीआई के टाइप पे करेंगे तो वो डिविडेंड 5 रुपए का है वो 5 ही रहेगा उसमें ग्रोथ ऐड नहीं होगा तो देख ले भाई जोनल तेरा डिविडेंड कितना आ रहा है डिविडेंड आ रहा है तेरा 5 रुपीज 5 डिवाइडेड बाय तेरा प्राइस कितना आया था 5/60 + 12% बराबर तो आंसर क्या आ रहा है 20.33 आ रहा है आंसर करो आंसर तेरा जनरल आया आंसर पहले का कितना आया 23.33 क्या आया रेडी बराबर 20.33 5/60 × 100 + 12% राइट तूने क्या किया ऊपर वाले संपर्क 20.33 आया आंसर 20.33 तेज आए वो 20.33 तेज शीतल एनी हेल्प कविता एनी हेल्प प्राइस विद सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुझे क्या करना है अभी P0 is equal to D1 upon K minus G use कर तुझे तेरे पास जो D1 है ना तेरा वही रख तो तूने अभी क्या कर दिया तू क्या कर रहा D0 को ऐड कर तेरे ग्रोथ से द न्यू ग्रोथ है सर यस सर बिकॉज़ आइडियली सर व्हाट आई एम थिंकिंग इन क्वेश्चन आल्सो वी शुड कंसीडर दैट DPS विल फाइंड एज D0 ओनली ना बिकॉज़ अगर इफ वी कंसीडर 5 इंक्लूडिंग ऑफ 12% ग्रोथ रेट तो जब 13% ग्रोथ रेट आएगा तो फिर कैसे करेंगे तो 13% में तो D0 तू बेस करके करेगा प्लस 13 करके हाँ तो D0 को 12% इंक्लूडेड है ना उसमें ग्रोथ 5 में तो नहीं नहीं 5 रुपीज के अंदर है ना 5 रुपीज के अंदर उसको अपन D0 मानते हैं हाँ सर इफ यू अज्यूम 5 एज D0 देन क्वेश्चन इज फाइन बट इन द फर्स्ट पार्ट इफ यू अज्यूम दैट 5 इज D1 देन द सेकंड पार्ट व्हाट विल यू अज्यूम एज D1 एटीट्यूड ने सॉल्यूशन के अंदर उसको क्या काउंट किया था D0 वैसा ही किया बट इससे तो मैंने आपको कौन सा करवाया D0 वाला क्योंकि D1 किया था अपन ने D0 किया हाँ 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 बराबर तो उन्होंने D1 लेके खत्म कर दिया सबको
अपन ने उसको D0 मान के ग्रो रहा है, दोनों में उसको उन्होंने दोनों में क्या रखा, D1 ही रखा। ओके मैंने क्या किया, उसको D0 माना, फिर पहले वाले में ऐड बाय 12% ग्रोथ और सेकंड वाले में ऐड बाय 13% ग्रोथ किया, उन्होंने उसको दोनों को सेम ही रखा। तो इट्स बेसिकली दैट्स व्हाट दे डू। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने इस सम के अंदर दोनों को मैंने पहले बोला तूने अलग किया मुझे चलेगा, बट हमने पहले क्या डिसाइड किया था, लेट्स कीप द वे इट इज, देखो जो ठीक लगे वो कर, तूने कर लिया है तो उसको कंटिन्यू कर विद न्यू ग्रोथ रेट ऐड करके। आई टेल यू द आंसर फॉर द सेकंड वन, तेरा आंसर 68.21 आएगा, तेरा आंसर आया 68.21, कविता 68.21। अगर मैं ग्रोथ को 5, डिविडेंड को 5 रुपीज ही रखता हूँ, ऐड नहीं करता हूँ, तो प्राइस 68.21। 2011 सीए फाइनल में अटेम्प्ट, कविता आंसर आया, सर 67.83। तेरा आंसर अलग आएगा बेटा, हम लोग 68.21, तेरा तो आंसर 5 डिवाइड बाय, तूने क्या किया होगा, तूने क्या किया होगा पता है, तूने 5.65 किया होगा राइट, 5.65 डिवाइड बाय 20.33 माइनस, सॉरी तेरा डिवीजन भी अलग होगा ना, तेरा की हां मेरा डिनोमिनेटर 8.33% हो गया है, आपका 7.33 होगा, तो ठीक है फिर तुझे पता है तेरा बेस क्या है। लास्ट आंसर भी ले लो दोनों, लास्ट आंसर तेरा 166.66 आया होगा, लास्ट थर्ड पार्ट का आंसर। हो गया क्या, ओनर हो गया, कविता हो गया क्या, पटेल पूछू पड़े मारे तुमने लोगों थयू ना थयू, लेट टेस्ट फिनिश इट बाय द मीन टाइम, इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट क्वेश्चन नंबर 12 को आप ट्राई आउट कर सकते हो, आपका आंसर आएगा। Sir, I'm done. I'm just writing a note. हाँ तो वो अलग, हाँ तो वो नोट लिख ले तेरा, अपने ले ले लिखा है ना, कहीं रिफर टू नोट अर्लियर, ऐसा लिख ले, रिफर टू नोट क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा लिख ले तू, एक मिनट 12 हुआ है क्या नहीं चेक करने दे। पेंडिंग है, दो सम हो गया, जल्दी जल्दी चलो जल्दी चल दे थोड़ा, ले देख The company has paid dividend of rupees 2.5 per share. हम उसको D0 मानेंगे, क्या मानेंगे उसको D0 मानेंगे. Face value rupees 10. Details are P0 60 rupees, growth 10%, beta 0.75, and average market return is 15. Market return is RM, risk fee is RF, beta is given to you. Find the intrinsic value of the share. पता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम CAPM से KE ढूंढेंगे, KE ढूंढने के बाद P0 ढूंढेंगे, और P0 जो आएगा that is D1 upon KE minus G, that will give me intrinsic value of the share. Hello,
સ્ટેપ 1 સીએપીએમ ગોતી લેસુ કેઈ મળશે કેઈ મળ્યા પછી ફોર્મ્યુલા ઓફ પી 0 કિસે ડી 1 અપોન કેઈ માઈનસ જી ઇસમે ડી 1 દિયા નહીં હમ ગ્રોથ એડ કરેંગે કેઈ માઈનસ જી કરેંગે મુજે પહેલા ઉસકો ક્યા કહેંગે ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ ઓફ ધ શેર ફેર વેલ્યુ ઓફ ધ શેર સ્ટાર્ટ We found K, then we'll find P0, right? Yeah. P0 is equal to D1 upon K minus G. तो यहाँ पे जो intrinsic value बोली है ना वो fair price की बात कर रहा है और हम जो P0 is equal to D1 upon K minus G करते हैं ना वो fair value का share की बात हो रही है. Okay. So 78.57. Is it so, Dhrudan? ठीक है, शर्मा जी बोलिए, पटेल 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ ड्रोनल. क्वेश्चन नंबर 13, हमने 3 क्वेश्चन किए, चौथे पे जा रहा हूँ. टोटल 10 पेंडिंग है, उसमें से चौथा कर रहे. नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी इज ₹100. द बॉन्ड रिडीमेबल एट 110 एट द एंड ऑफ 5th ईयर. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ द यील्ड इज 5, 5.1, 10 एंड 10.1. मैं कहता हूँ कि चार चार टाइम पास छोड़ दो, 5.1 और 10.1 तो कट कर दो, दो सॉल्व कर लेते हैं 5 एंड 10. समझा क्या? चार बार सॉल्व का कुछ मतलब नहीं है, तेज. ठीक है, कीप इट एट 5 एंड कीप इट एट 10. कैन यू डू दिस एवरीवन? तेज इंटरेस्ट के दो 10 रुपया, 10% ऑफ 100 रुपीज. देन यू हैव पीवीएफ ऑफ 5% ऑफ 10 रुपीज फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% and PV of 110 at the end of 5th year. Hello. Because yes, it's redeemed at the end of 5th year. Hello. Check out and get me the answer.
बहुत सम आंसर यार। इट इज 129 एंड 106 इज इट सो तेज। लेट्स वेट 2 मिनट्स फॉर तेज। यस 129 एंड 106। वेरी गुड। तो अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। कैन वी मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 14। Pet Feed PLC has outstanding high yield bond with following features: face value £10,000, coupon rate 10%, maturity 6 years, special feature you can extend your term for 12 years. That is 6+6. 6 साल का maturity आप चाहो तो उसको renew कर सकते हो अगले 6 साल के लिए भी. That's an additional feature. If investor expects that interest will presently the interest rate on equivalent bond is 8%. And if an investor expects the interest rate will be 8% 6 years from now, how much he should pay for this bond now? How much he should pay for this bond now? एक लाइन लिखो फिर आप ट्राई करना ठीक है? Write one line and then you try. देखो, if the current interest rate is 8%, the company will not have any intentions to extend the life of the bond for further 6 years. And therefore, the maximum what investor should pay shall be as follows. तो मैं आपको सोचने का टाइम दूंगा जनरल बस थियोरी को देख वे एक लाइन जो लिख मैंने लिखा ही वो and then you can think what should be the price what he should be ready to pay. इस ध्यान से देख बेटा। सर आई कुड नॉट राइट द थ्योरी आई मिस्ड द थ्योरी ड्रोनल कैन यू सेंड अ पिक्चर इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज 8% सर पूरा ही मिस हो गया आई वाज स्नीजिंग तो लिख ही नहीं पाया देख मैं बोल रहा हूं इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज 12% द कंपनी विल नॉट हैव इंटेंशंस टू extend the life of the bond to 12 years will not have intentions to extend the life of the bond to 12 years and therefore the maximum amount which investor will pay shall be discussed as follows therefore the maximum amount what investor will pay that will be maximum that will be discussed as follows अब अगर उसको पता है कि 6 साल के बाद रिन्यू नहीं होने वाला है मतलब इसका लाइफ 6 ईयर है डोनल और 6 साल का लाइफ अगर होगा तो अपना 10,000 के ऊपर 10% के हिसाब से £1,000 का ब्याज आएगा प्लस रिडेम्पशन आफ्टर 6 ईयर £10,000 तो आपको क्या आएगा 1,000 × PVF ऑफ 12% फॉर 6 ईयर्स प्लस 1,000 का रिडेम्पशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर फॉर 5th of 6 ईयर बोल आया ना हेलो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पता है कंपनी को ऑप्शन दिया गया एक्शन करने का इन्वेस्टर को नहीं ये इंपॉर्टेंट है यस सर किसको दिया है ऑप्शन कंपनी अगर कंपनी को पता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में 8% है तो व्हाई विल कंपनी पे 10% देन कंपनी विल बी इन द सेम ब्रैकेट वेयर अदर इन्वेस्ट विद अदर कंपनीज आर इफ अदर कंपनीज आर पेइंग 8% एंड दे आर गेटिंग द लोन व्हाई विल दिस कंपनी पे 10 एंड गेट द लोन तो फिर वो क्या करेगा वो कंटिन्यू नहीं करेगा मतलब वो लैप्स कर देगा अपना राइट टू कंटिन्यू फर्दर राइट इन दैट सिनेरियो दोनों क्या होगा कि 6 साल में कंपनी खत्म हो जाए ये बॉन्ड रिडेम्पशन खत्म हो जाएगा यू एग्री चलो इसको खत्म करो गेट मी द आंसर
Is it 1992 10923? सर 10,925। परफेक्ट। 923 या 925 कुछ आएगा। 924.9 आया तो 925। अब ये तो हो गया, इसका मजेदार पार्ट है ना कविता, ये आपका भी हो गया बेटा। अब देख सेकंड पार्ट देखना इसका क्या है। दे टेल अस कि अगर ऑन द बेसिस यू इन्वेस्ट बट इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, 12% 6 years फ्रॉम नाउ, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल गेन और लॉस। दोनों 6 साल खत्म हो गए, उसके बाद कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो वो एक्सटेंड और 6 ईयर्स के लिए कर सकते हैं या तो नहीं करेंगे। अगर ये 12% का रेट हो जाता है मार्केट में, और बॉन्ड का रेट क्या है दोनों 10% है, तो अगर 12% हो तो कंपनी क्या करेगी? एक्सटेंड। कंपनी इसे एक्सटेंड करेगी, और अगर एक्सटेंड करेगी तो अभी कितना ईयर बाकी है, 6 या 12? 6। तो अभी अपने को क्या करना है, यूजिंग डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 12% for 6 years for interest at the rate of 10%. Do you agree? Yes sir. Hello. And finding out the price kya hoga pata hai Ronald? Price kam ho jayega. Kyun? The discounting factor badh chuka hai. Bol haan yaar. Yield badh. Discounting factor badh, yield badh chuka hai. Check out the answer.
बारह टके के हिसाब से किया है ना. हाँ मतलब चार पाउंड का फर्क है ना, 9177 9181, चार पाउंड का ही फर्क है ना. यस सर. ठीक है चल सर. उसने तीन डेसिमल तक लिया रहेगा इसलिए उसका आंसर बड़ा है. सर तीन डेसिमल है, 4.111 and 0.507. हाँ इसीलिए हम लोग ने फोर डेसिमल लिया है. चलेगा चलेगा दौड़ेगा चलेगा. क्या तेरे लॉस यहाँ पे आ गया ना, कितने का लॉस आएगा तेरे को? क्वेश्चन लॉस पूछा है, व्हाट विल बी हिज लॉस और गेन? तो तेरा लॉस होगा 10,000 माइनस दैट वैल्यू विल बी योर लॉस. When it's done, tell me. Yeah. हो गया. लॉस डाल दिया. क्वेश्चन नंबर 19. कविता को कविता कविता क्वेश्चन नंबर 19. 18 हो चुका है क्या? देख तो हो चुका है ना. क्वेश्चन नंबर 19 देखो. नहीं हुआ. 19 नहीं हुआ ना. अपन ने अभी इज द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 95 बाय टीएम 6 इयर्स. इयर्स टू मैच्योरिटी 6 इयर्स, इंटरेस्ट रेट 13% एंड इश्यू प्राइस 100. व्हाट इज बाय टीएम यील्ड टू मैच्योरिटी? कैसे करेंगे ना रोल, कैसे करेगा सोच. कैसे करेगा बोल, बोलू क्या सोच रहा है? सोच ले 90 सेकेंड. हमारे पास 90 सेकेंड. सोचा तो क्या सोचा बोल सर. केडी ढूंढ लेंगे और फिर उसके आगे वाला बिचारे देखते हुए. या तो तू केडी इज टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी वाला फार्मूला जो है आरबी माइनस एनएसपी, एनएसपी को हम एमबी लिख देंगे. एनएसपी के बदले एमबी, आरबी माइनस एनएसपी के लिए एमबी बाय एन होल डिवाइड बाय आरबी प्लस एनएसपी बाय 2. इधर देख, इधर अगर मैं लिखता हूं इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? टैक्स दिया नहीं है ना रोनल, टैक्स दिया है नहीं, टैक्स टैक्स रेट नहीं दिया ना. तो इंटरेस्ट प्लस आरबी विल बी 100 इफ नथिंग स्पेसिफाइड,
माइनस एमबी, एमबी कितना होगा तेरा? 95 बाय 5 होल डिवाइड बाय 100 प्लस 95 बाय 2 बराबर 10 कितना है बोलेगा? इंटरेस्ट रेट 13 है तो 13 रुपीस, तो 13 डिवाइड बाय 13 प्लस कितना होगा 95 बाय 5 इज 1 अपॉन 195 बाय 2 कितना होगा 97.5 इन 200 इज इक्वल टू 97.5 इन 200 कितना होगा 14.36 चेक करो सर वो इयर्स टू मैच्योरिटी 6 साल है तो सेल है सॉरी सॉरी 6 है क्या हाँ इधर 6 कर दो बेटा इधर 6 कर दो सर आंसर इज 14.19 अभी चेंज हो जाएगा ना ये आंसर क्या आ रहा है हाँ 14.19 14.19 ठीक है तो ठीक है ये हो गया अब शांति से पहले मुझे एक बार कंफर्म करने दे 6 आंसर्स हो गए हमारे अभी कविता हमारा 23, 24, 30, 34 बाकी है राइट दोनों चेक कर टेक्स्ट बुक का 4 बाकी है कविता 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2 मिला क्या तेज ढूंढ रहा है ढूंढते रहे तू तु। मतलब तूने ढूंढा टिक किया कितना है 4 समी है उसे जो लिखना है मेरे में ताकत नहीं ज्यादा ये 4 सम्स को साइड पे रखता हूँ संडे के लिए कुछ सम्स उठाता हूँ मॉड्यूल के जो मुझे लिखाने नहीं है खाली डिस्कस करके सॉल्व करवाने हैं समझा आई होप आप लोगों ने प्रिंट आउट लेके रखा है लिया क्या नहीं लिया तो हंस रहा है साले नहीं लिया तेरे ऑनेस्टी के लिए तेरे को छोड़ दू के तुझे गाली दू ना समझ में नहीं आ रहा तूने लिया तेज लिया तूने क्या करता है 3-3 बार तेरे को बोलता हूँ लेके रख देखो अभिषेक सर देखो मना कर दे क्या प्रिंटर लेने का नहीं ऑफिस ऐसा है अलाउड ही नहीं है सिस्टम में जाता है उनके प्रिंटर से
चलो शुरू करें। एक मस्त समय बायबैक के ऊपर अभिषेक लिमिटेड का, मुझे लगता है हम लोगों ने एक बार शायद तो किया होना चाहिए, लेकिन साला इतना सारा डेटा है ना कि कोई चैप्टर में पूछते ना दोनों, फिर ये लोग कहीं पे डाल देते ना, तो फिर मुझे होता है कंफ्यूजन साला मैंने करवाया कि नहीं, क्योंकि इतने सम्स। अब इसमें देख लेट मी ओपन द मॉड्यूल। आ गया ये पर लास्ट टाइम के था बहुत समय। तुम लोगों ने सुबह को इम्यूनाइजेशन भेजा था वो किया? ये तुमने किया? हाँ। यहाँ पे ना आएगा एग्जाम अभिषेक का, सब फेल नंबर इधर से दिखा। अब स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है तेज? यस सर, यस। हाँ सर। तो इसके अभी 25-30 सम है, ये रहा देख तेज। क्वेश्चन नंबर 18। तो आप लोग क्या करो अभी फिलहाल के लिए, आपके आपके नोटबुक में खरीदना लिख लो क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ मॉड्यूल पेज नंबर 18। आज रात को मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा मॉड्यूल के, आप सुबह को उठ के आप खाली उसको सॉल्यूशन देख ले रहा, आपको सब सम्स कवर लिखेंगे ठीक है, और जो मैं कवर करवाऊंगा वो अपन अलग करेंगे ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 50-60 सम का चैप्टर हो जाएगा, 38 वहां से और 10-12 यहाँ से, तो 50 क्वेश्चंस इज मैक्सिमम इन सिक्योरिटी एनालिसिस ठीक है। अब देख ले, राहुल हैज सरप्लस कैश ऑफ रुपीज हाउ मच? 100 lakhs एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 27% ऑफ इट टू द शेयरहोल्डर्स। 100 लाख में से 27 लाख रुपए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कंपनी डिसाइड्स फॉर बायबैकिंग द शेयर्स। Manager of the company decides that its share price are after repurchase is likely to be dash. तो repurchase price. मतलब buyback होने के बाद उसका भाव 10% से बढ़ जाएगा। The number of shares outstanding at present is 10 lakh and what is the EPS? 3 rupees. The price of you are required to find out the price of the share at which it will be repurchased if the after market cap of the company will be 210 lakh after buyback. Number of shares that can be repurchased and the impact of the shares repurchase on the EPS, assuming net income is the same. एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, बहुत सिंपल है, खाली एक assumption पे एक सम चलता है। If I want you to ask okay, what would be the value
ऑफ द शेयर एट विच इट इज बॉट बैक. तो कह सकता हूं मैं, इन्होंने बोला है कि द बायबैक के बाद की प्राइस विल बी 1.1 टाइम्स द नॉर्मल प्राइस. बराबर. तो कौन से प्राइस पे शेयर बाय, तो मार्केट कैप ऑफ द शेयर आफ्टर बायबैक इज हाउ मच, 210 लाख. तो 210 लाख. अगर मैं ये बोलूं कि लेट आपकी बायबैक प्राइस अगर एक्स है, तो जाने दो ये सब मैं आपको थियरी में बोलूंगा, आपको कंफ्यूजन होगा, मैं आपको दिखा के बताता हूँ. अजम्पशन सम गेस होगा, आपको लिखना नहीं है, सो वी विल सेव सम टाइम हियर. लेट द बायबैक प्राइस बी एक्स, इतने पी बोले अपन एक्स बोलते हैं, ठीक है. अब मार्केट कैप आफ्टर बायबैक कितना होगा, तो उन्होंने क्या बोला है कि मार्केट कैप का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. हेलो, तो yes, sir. कितने शेयर्स होंगे, तो ओरिजिनल शेयर्स माइनस बायबैक शेयर्स इनटू 1.1 ऑफ द बायबैक प्राइस. हेलो, तो 1.1 इज इक्वल टू 10 लाख शेयर माइनस हाउ मेनी शेयर्स जो बायबैक हुए. तो जो बायबैक का प्राइस अगर एक्स है और 27 लाख रुपए आपने स्पेंड किए, 27 लाख डिवाइड बाय द बायबैक प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट यू हैव बॉट बैक. बोलो हाँ या ना. अब ये हो गया तेरा क्या 11, ये तो ओपन अप करेगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. हेलो, एंड दैट कम्स टू हाउ मच स्टेज 21.79. एक मिनट ऊपर शोर करो ना, एक ओके सर. बात सर, विल कॉपी दिस राइट नाउ. मेरे पास प्रिंट आउट तो है ना बेटा. अच्छा ओके. क्या कर, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द मॉड्यूल हमने यूज हमने रेफर कर लिया, ऐसा खाली कंफर्मेशन तेरे नोटबुक में डाल दे. हेलो, समझा क्या? हाँ सर. क्यों, क्योंकि ऐसे तो अपन हर सम कर रहे हैं, तो क्या 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 लिखेगा. तो बेसिस समझ में आया ना, 10 ओरिजिनल शेयर्स माइनस शेयर्स बॉट बैक. हमने क्या किया, 27 लाख रुपए यूज हुए थे बायबैक में और प्राइस एक्स है, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक मिल जाता है. उस बेसिस पे हमें 1.1 का रिलेशनशिप था, इसीलिए हमें एक्स मिल गया. बताओ, ये क्लियर है? हाँ सर. थर्ड पार्ट भी पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में थर्ड पार्ट पूछा है. क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के लिए हमें ऊपर, कैन यू जस्ट डिस्कस मोड, तेरे पास मोड क्या था, कंपनी का नाम क्या था रे? राहुल. राहुल, राहुल. थर्ड पार्ट क्या है, इंपैक्ट ऑफ शेयर प्राइस एंड ऑफ शेयर ऑन रिपर्चेस ऑन द ईपीएस अज्यूमिंग द नेट इनकम रिमेंस द सेम. द सेम, तेरा ईपीएस 3 रुपीज है, इनटू नंबर ऑफ 30 लाख रुपीज एंड देन योर नंबर ऑफ शेयर्स आर रिड्यूसिंग राइट. द ईपीएस कम होकर के बढ़ेगा, बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर क्या था तेज, 18. हाँ सर 18. थर्टी लाख डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यू शेयर, हम नए शेयर बचे 876090, 10 लाख माइनस द बायबैक, तेरा ईपीएस कितना हो गया 3.43. यस सर, दिस इज द फाइनल आंसर. एवरी सम तेज क्लियर है, ठीक है.
चलो कुछ एक क्वेश्चन और किसी से क्वेश्चन उठाते हैं कोई। मैं आपको ना टिक मार करके दे देता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ। पंसा आपको आज कर लेना है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर वन आई थिंक आपने किया है राइट, 137.80 50% अपने बुक में है, तो अब टिक मार टिक करते अपना क्वेश्चन वन ही है, कोइंसिडेंटली यही क्वेश्चन नंबर वन है अपना। Have you done this? Yes or no? Question one अपना done किया है ना अपन ने। Question number two और question number three तेज अपना भी question number two three ही है, खाली अपना नाम अलग है, इन्होंने नाम चेंज किया है। Coincidence. Hello. Question number two same है अपना, sorry two. Hello. लिख दे ना question number two of module, कहीं ना कहीं match कर दो ना, खत्म हो जाए। MNP. अपना क्वेश्चन नंबर फोर है ना, इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है। अपना क्वेश्चन नंबर फाइव का क्वेश्चन नंबर फोर है, अपना क्वेश्चन सिक्स है, ये क्वेश्चन नंबर फाइव है अपना, सॉरी नहीं, सिक्स अलग क्वेश्चन है, सेम है अपना, डेटा अलग है, इंफॉर्मेशन डेटा अलग है, बाकी सब सेम है। हेलो, आई होप यू गेटिंग इट, सेम एज क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ आवर मॉड्यूल। तो ये भी लोगों को करने की जरूरत नहीं, मतलब फर्स्ट फोर आपके कवर हो चुके हैं राइट, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है तेज। क्वेश्चन नंबर फाइव ये सेम क्वेश्चन सिक्स है अपना, ये अपना क्वेश्चन सिक्स है, तो ये हो गया, ये अपने को करना होगा, इसको आप लिख दो। एक्चुअली नहीं कर पाएंगे क्यों पता है, इसके अंदर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस सी, ये सब लफड़े करने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट मल्टी स्क्वायर रूट्स एंड ऑल दैट। तो अभी के लिए लिखो के क्वेश्चन नंबर सिक्स मॉड्यूल हमें करना है, नॉट कवर्ड इन द अपने बुक में नहीं है, इन शॉर्ट 7 हमने ऑलरेडी कर लिया, 7 हमारे बुक में नहीं था, हमने ऑलरेडी कर लिया लास्ट क्लास, पता है हम लोगों ने लिख के किया था वो कैपिटल गेयरिंग रेशियो वाला सम टेज। कौन सा वाला सर, एक मिनट देखना स्क्रीन पे, ओ डिविडेंड देख ले, तुझे देख के समझ में आएगा। मेरे को लेक्चर बंक मारा है, अच्छा सेवंथ वाला नहीं मारा है बंक, तो याद आना चाहिए ना तेरे को, लिखा है अपने नोटबुक में सर। मैं अब मेरे नोट्स में देख रहा था तो ऊपर स्क्रीन नहीं देखा, इसलिए मैंने पूछा। देखा 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 कि नहीं, तू था मुझे याद है, कैपिटल गेयरिंग रेशियो, ये भी सेम समय रोनल सेम काइंड, देखो बीटा दिया सीएपीएम यूज करेगा और तू प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस ढूंढेगा। अभी अपने आज ही किया था, पहले सीएपीएम किया, फिर पहले के ही ढूंढा सीएपीएम से, और फिर पी जीरो से इक्विलिब्रियम प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते थे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, समझा। तो ये आप रेफर कर सकते हो, आप खुद ट्राई कर सकते हो, अपने बुक में भी होना चाहिए ऐसा सब है, अपन ने किया आज ही किया। क्वेश्चन नंबर एट एक बार नजर मार लो, क्वेश्चन नंबर एट देख लो, क्वेश्चन देख ले खाली, समझ में आ रहा है क्या। यस आया समझ में तेज? यस सर। आज भी मुंबई ने साल गया, छोड़ो मुंबई इंडियंस, अभी ये टाइम पैसे कमाने आया बस, इतने साल से जीत के ना ट्रॉफी, ये टाइम पैसे कमाया, पैसे कमाया जोरदार। इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड ये पहले दो तीन मैचेस हारता ही है वो,
नहीं था मैंने पहले पैसा अंदर फिर लास्ट में ट्रॉफी अंदर तो छह बार छह मैच आ रहा है। चलो भाई देखो ये क्लियर है ना आठवां क्वेश्चन कविता चेक करना बेटा ये नाइन्थ भी डन है सेम क्वेश्चन है सेम टाइम। अब ये है ना द्रोणल पता है क्या है टेंथ से मैं ना उसको स्टार कर दो मैं तुमको करवाऊंगा ये देख आज ही करवा देंगे नहीं तो ये देख ये समय ना द्रोणल कहां से कहां घुसता है ना समझ में नहीं आता ये देख इफ यू रिमेंबर एफसीएफई करवाया था एफसीएफई करवाया था पता है तेज इसके पहले पहले चैप्टर में एफसीएफई में डेट रेशियो था पता है 1 माइनस डेट रेशियो इनटू कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन वो वाला पार्ट यहां पे कवर हो रहा है इन्होंने क्या दिया है डेट अपॉन डेट इक्विटी रेशियो दिया है 27% तो मैं करवाऊंगा तुमको ये सब क्वेश्चन नंबर 10 अगर मिला टाइम तो अभी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 कयो छे एफसीएफई कविता हमने किया ये भी सेम है देखना कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर डेप्रिसिएशन पर शेयर चेंज वर्किंग कैपिटल चलो अभी देख लेते हैं देख ले अभी ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 लिख ले मैं करवा देता हूं फिलहाल कहां से है ये बॉन्ड का नहीं है लेकिन डाला है बॉन्ड में बराबर वैल्यू ऑफ शेयर पूछा है पैट ऑफ द कंपनी 290 करोड़ इक्विटी कैपिटल 300 करोड़ वैल्यू पर शेयर सॉरी पार वैल्यू पर शेयर 40 रुपीस रेशियो दिया डेट का लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट 8% बीटा आरएफ ये सब तो मुझे कई मिलेगा बराबर यहाँ पे एक्सपेंडिचर पर शेयर डेप्रिसिएशन पर शेयर वर्किंग कैपिटल ठीक है मुझे इसमें से सब कुछ है मेरे पास पैट है मेरे पास यही है मेरे पास मेरे पास कई दूरी का तरीका है बेटा कैलसी पे डाल के कितना आएगा बोल आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा बीटा 0.1 दिया है बहुत कम दिया है ना 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1 प्लस 8.7 बराबर इसको नीचे लेके जाता हूँ ठीक है इसके ऊपर 8.86 हाँ अभी देखते हैं लगान से देखते हैं फटाफट ये देख तो 1300 करोड़ का कैपिटल है 40 रुपए का फेस वैल्यू है 32.5 करोड़ शेयर्स है ईपीएस पैट अपॉन एग्जैक्टली सेम किया अपन सेम टाइप का ध्यान दे पैट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 8.23 का तेरा ईपीएस आ गया बुक कर लो आता तुमचा पर शेयर वैल्यू होती आप जाकड़े पर इफ यू रिमेंबर इधर यू कैन कीप इट एवरीथिंग पर शेयर और यू हैव टू कीप एवरीथिंग पर एज अ होल वैल्यू तेज मेरे पास यहां पे एफसीएफई इज इक्वल टू नेट इनकम दैट इज 8.923 राइट यस पर शेयर हां ये पर शेयर कर दिया इनटू 1 माइनस योर डेट रेशियो हेलो हां सर इनटू कैपेक्स बाय डेप्रिसिएशन पर शेयर प्लस वापस 1 माइनस डेट रेशियो इनटू चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर हेलो सेम फॉर्मूला सेम बेस हेलो एंड यू गॉट योर एफसीएफई हाउ मच 0.5645 कर लगा आणि तुमचा के की आमचा तुमचा के किती 8.7 प्लस 0.1 इनटू 10.0 माइनस 8.7 दैट इज 8.86 बराबर सो लॉजिक वापस याद करवाता हूं वन माइनस डेट रेशियो हम जब करते हैं तेज हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कैपेक्स में जितना पैसा चाहिए उसमें से कुछ पैसा कौन ला रहा है डेट लेके आ रहा है तो उतना पैसा मुझे आ रहा है डेट से तो अगर मुझे 100 रुपया चाहिए तो 27-27 रुपया डेट लेके आ रहा है ना तो उतना मेरा कैश फ्लो बढ़ रहा है खुद का कैश फ्लो यूज नहीं हो रहा है किसका एफसीएफई का समझा हाँ That is the proportion what he brings in. Either you add it or you minus it from your net cost. उतना वो लेके आएगा. So either you add your borrowings or either you subtract it as 1 minus B to get your owing, right? Minus capex plus borrowing या फिर 1 minus borrowing into capex. समझा? ठीक है. तो आपका K ही आ गया. एक मिनट मेरा बैटरी जाएगा. और फाइनली क्या हुआ दोनों? ये तेरा FCFE का फॉर्मूला डाल दिया अपन ने. Same formula, then you got your answer. Samjha kya? Yes, is it simple? Is it the same kind of a sum? Yes or no? आपका FCA भी लाइक और एक सॉल्व हो गया. First 10 के अंदर खाली पीयूष लूकर का इनके सम है वो पेंडिंग है वो भी मुझे करना करवाना नहीं पड़ेगा क्योंकि
वो जरूरी नहीं पड़ेगा, उसके अलावा मैं फर्स्ट टू टेन में कुछ पेंडिंग नहीं है। हाँ क्वेश्चन सिक्स ही बाकी पीयूष लूकर। हाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स खाली याद रखना ठीक है, खाली मुझे मुझे याद करवाना। ये वॉयज वाला सम आज ही किया अपन ने, 11 सम शेयर ऑफ वॉयज ने बुक का क्वेश्चन नंबर 10 अभी किया वो 6.115 10 अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12 इसको आईएमपी मार्क करो, ये है ना सस्टेनेबल ग्रोथ पे एथेज, मेरा एक चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी थ्योरी चैप्टर, उसमें मैं ये करवाता हूँ, ये उसका टॉपिक का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो करवाऊंगा कल ही करवा दूंगा खत्म ठीक है। बट ये चैप्टर में एससीआर आ रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, वो क्या है पता है तेज, जो अपन ग्रोथ रेट यूज करते हैं ना उसी का एक एनलार्ज फॉर्मूला है कि ग्रोथ रेट का फॉर्मूला, तो हम क्वेश्चन नंबर सिक्स तो छोड़ो पर ट्वेल्थ तो अपने पार्ट में रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको वीडियो भेजूंगा थियोरी ऑफ एसएफएम करके, उसमें एक घंटे का नहीं 45 का थियोरी चैप्टर नंबर 1 का, वो करने के बाद ये सब करेंगे ना तो मजा आएगा सब करने, तो दैट इज अ थियोरी अटैच टू द चैप्टर चैप्टर 1 एंड देन वी कैन गो विद द सम। तो अपने कल के टारगेट्स में चार प्रॉब्लम्स तो उसी टेक्स्ट बुक के बचे अपने, और एक ये बचा 12वां नंबर, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू राइट। सिक्स मैं आपको बताऊंगा कि वो कुछ केसेस नहीं रहेगा, अब ये भी सेम सम है चेक करो, ये आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो अभी का अभी आप आ जाएगा। क्या कहता सर मतलब किया, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन 12 है, वी हैव इट क्वेश्चन नंबर 12 हमने ये भी किया है, 14 काइंड ऑफ सम किया है हमने, किधर होगा ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो था ना अपना, ये देखना करूं सॉल्व 14 ₹500 का शेयर है फेस वैल्यू ₹100 इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस रेशियो एट द रेट ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, मतलब ₹500 का शेयर है फेस वैल्यू ₹100 है और बोनस देने वाला है 1:5 मान तेरे पास कितने शेयर है 100 शेयर तेरे पास कितने शेयर है 100 तो हर 5 शेयर पे एक बोनस तो हर 100 शेयर पे कितना बोनस 20 शेयर बोनस बोनस होने के बाद डिविडेंड भी उसी रेशियो पे बढ़ेगा, इंटेंस टू सेल द शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर वेयर द प्राइस इज हाउ मच 900 instead expenses for the purchase and sale of shares I expect to be dash much 5% expects a minimum return of how many percent 12 should he buy the share or not what is the maximum price or should he pay for the share assume no tax on dividend and capital gain on the sale chal itna 100 ka bhi chhod de rahe total but there was ek share kitna share hai tere paas ek ki baat karte hai tej ek share agar tu buy karta hai tujhe kitne ka padega bol एक शेयर बाय करूंगा तो आज तू बाय कितने का पड़ेगा बोल, मतलब 80 पैसे का व्हाटएवर वी फाइंड आउट उसका कॉस्ट वी। अरे मेरे बाप ₹500 का शेयर है। अच्छा वैसे हाँ आज 5% परचेज टू सेल पे क्या लग रहा है एक्सपेंस एक्सपेंस तो मेरा आउट तो ₹525 का होगा बोल आया ना। हाँ सर बराबर, अभी एक शेयर का फैसला कितना है 100 रुपए बराबर है, अब फर्स्ट शेयर में मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा 20 रुपए का। हाँ राइट, सेकेंड ईयर में 20 रुपए का, थर्ड ईयर में 20 रुपए का, फोर्थ ईयर में 20 रुपए का, भैया क्या बोलना चाह रहा है
फोर्थ ईयर में बोनस दिया राइट यस, तो फोर्थ ईयर का बोनस दिया मुझे, एक शेयर पे बोनस कितना होगा, एक रुपए एक शेयर पे 0.20 बोनस होगा, लेट्स कीप इट 20, तो एक पे 0.20 मतलब व्हाट वी हाउ मेनी शेयर डू आई हैव एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1.20 Yes. तो 1.20 पे अगर मुझे बोनस मिलना चाहिए, सॉरी डिविडेंड मिलना चाहिए, तो कितने पे डिविडेंड होगा पता है, 100 रुपए पे 20 रुपया डिविडेंड है, तो 120 रुपए कितना होगा, 24 रुपया डिविडेंड होगा, तो माय डिविडेंड वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ विल बी 24, एट द एंड ऑफ फिफ्थ विल बी 24, एट द एंड ऑफ सिक्स्थ विल बी 24, एट द एंड ऑफ सेवंथ ईयर विल आल्सो बी 24, एंड ऑन दैट ईयर आई एम सेलिंग ऑफ माय ऑल द शेयर्स एट रुपीज हाउ मच 900 इनटू 1.20 या 1.20, डू यू अग्री? Yes. It was 1.2 share. लेकिन 9 into 1.20 is how much? 12 ends up 1080. But उसपे क्या लगेगा? 5 लगा brokerage वापस. Yes sir. The 1080 minus 5%. बोलो हाँ या ना? Yes sir. उसका PV करेंगे तो आंसर मिलेगा. क्या था question number 14 ना? ये देख. ये डिविडेंड का प्रेजेंट स्ट्रीम 20 20 20 20 24 24 24 24 समझा के नहीं? यस सर. उसका पीवी लिया, उसका पीवी आ गया रोनल, तेरा कितना है, तेरा स्ट्रीम 900 × 1.20 कितना होता, 1080 बराबर हाँ माइनस 5% कितना था यार, 1026 इनटू पीवी, टोटल वैल्यू कितना हो गया 563, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 525 बराबर. yes. गेन है तो तुझे बाय करना चाहिए कि नहीं, आंसर इज यस. हेलो यस, क्या समझा कि नहीं समझा, लिख लो कि हो गया. क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट, चलो कितना क्वेश्चन कर रहे हो, 14 है ना तेज? यस सर. और देख लेते हैं 15 पे क्या है. कहाँ चला गया? बस दोनों ये अपना काम, इस सम तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 15, सेम ऑफ सीएपीएम समतेज, आरएफ इज 9%, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट इज 13%, ग्रोथ रेट इज 7%, लास्ट डिविडेंड इज 2 रुपीज, द बीटा इज 1.2, कैन यू गेट द प्राइस, यस और नो? हेलो. Yes, sir. The equilibrium price change when inflation premium increases by 2%, growth rate increases by 3%, and beta of that income increases by 1.3%. Get me the value of first one first. Then I'm going to reach it. 15, right? Data aap log ke samne hai. आर एम उन्होंने कॉपी कर ले करना है तो रफ में 9% 13% आर एम आर एफ 9% 13% आर एम जी 7 D0 2 रुपीज एंड बीटा 1.2 कॉपी कर लेता डेटा पेपर टेक्स्ट बुक पेपर प्रिंट नहीं है ना भाई कर कॉपी चुपचाप ठीक जान देख तो तेरा सीएपीएम डोनल
13.8 आया। हाँ P1 upon K minus G का क्या आ जाएगा price? हेलो यस उसके बाद उन्होंने क्या दिया है मुझे कोई बताएगा सेकंड पार्ट में क्या पूछा है क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट इज इफ द इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2% इन्फ्लेशन प्रीमियम इज इंक्रीजिंग बाय 2% 2% तो आपका के कितना है यहाँ पे आपका आरएफ कितना है 9% है राइट 9 हाँ तो आपका 2% से बढ़ रहा है राइट इन्फ्लेशन प्रीमियम मतलब रिस्क फ्री रेट बढ़ रहा है क्या आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डू दे मीन बाय इन्फ्लेशन मुझे ये नहीं पता इन्होंने क्या काउंट किया इन्फ्लेशन पे तो अपने फर्स्ट में बहुत अच्छा वाला देखा है सब कुछ अफेक्ट होता है अब इन्होंने क्या किया अपन देखते हैं ये लोग ने ना उस कॉन्सेप्चुअल बेस पे नहीं किया होगा जब आरएफ को बढ़ाया 9% पे उन्होंने 2% बढ़ाया मतलब 9.18 हुआ उसका बीटा अलग दिया है क्या 1.3 दिया है क्या बीटा 1.2 है बेटा 1.2 है ना इधर क्या किया इससे देख इसमें क्या किया इन्होंने देख ऑल्टरनेटिव आंसर दिया इधर इन्होंने क्या किया 9 पे 2% ऐड किया 9.18 हुआ हेलो हाँ सर या फिर 2% इस पे ऐड कर दिया 11 किया और यहाँ पे जो सीएपीएम में आरएम जो 13 है उसको कितना किया यहाँ पे 15 मतलब उन्होंने उसको भी 2% से प्लाट बढ़ाया हेलो हाँ पर वापस क्यों ऐड लिया अंदर क्या सर आरएफ 9-11 किया सर 1.3 इनटू 15 माइनस वापस 11 या 9 होना चाहिए ना वेयर डिड 8 कम फ्रॉम हां तो ये 15 ऑब्वियसली ये वही होगा मतलब इसके अंदर फिर तेरा आरएफ माइनस आरएम माइनस आरएफ आरएफ तेरा कितना रहेगा यहां पे तो आरएफ आइदर 9 और 11 होगा ना नहीं पहले तो अरे सुन तो सही पहले तो ये 1.3 है ना वो 1.3 कहां से आया क्या पता क्या मल्टीप्लाई किया नहीं 1.3 का रेलेवेंस बीटा का अच्छा ओके तीन तीन फैक्टर साथ में कंसिडर किए इन लोगों ने बीटा को 1.3 कर दिया ग्रोथ को 3 से इंक्रीज कर दिया और प्रीमियम को भी 2% से इंक्रीज कर दिया बीटा में लिखा है 1.3 बीटा राइजेस टू 1.3 हां हां बीटा राइजेस टू 1.3 एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन रेट इंक्रीजेस बाय 3% लिखा है ना उन्होंने हाँ फिर क्या टेंशन है फिर अपने को खाली एक ही टेंशन है ना खाली अभी क्या हाँ आपका जो आर एम आर एफ जो था ये वाला कौन सा ये वाला ये जो था 8% ये कितना होना चाहिए था आपका 11 हेलो हाँ ये आपका बीटा चेंज हो गया आपने आपका आरएफ ओल्ड क्यों रखा जब ये आरएफ 11 है समझा हाँ सर रिप्लेसमेंट इशू हुआ है इधर इन्होंने किया है क्या ऐसा इधर एक इन्होंने सेम रखा तेज नया वाला रखा अब सर ओल्ड भी अगर ओल्ड भी रखेंगे तो 9 होगा वो 8 तो भलता ही है 8 का 9 था सर वो ना कुछ तो प्रिंटिंग एरर है क्योंकि अगर उधर 11 पकड़े ना तो 11 माइनस 15 इंटू 1.3 करे तो 5.2 सही आता है तो ये स्टेप में खाली 8 गलत से लिखा है शायद लिखा है ना बाकी 11 ही है ना वो हां 11 के कैलकुलेशन से ही आता है आई होप दैट इज क्लियर हेलो हां ठीक है और ये तेरा आंसर फिर आंसर क्लियर है राइट यस अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 तक का पार्ट किया हेलो ठीक है यहां पे मैं रुक जाता हूं अब मेरा खाना बाहर है 15-20 मिनट लगेगा अभी भेजने तो मुझे उतना दूर बॉय भेजने का बड़ा उतना भेजने का मेरे पास समय नहीं है शक्ति नहीं है कुछ नहीं है ठीक है तो सर अगर नॉर्मल इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड थाली गो टू ठक्कर कालबा देवी बेस्ट थाली है अबे भाई क्या मोगले से तुम तुम्हें टाउन की दोने तो टाउन जा हां એટલે ટાઉન માં સાચી દારી પણ હવે દેખી લઉં એક કલાક વેટિંગ હોય એટલે પછી સર કાલબા દે ઠક્કર માં વેટિંગ નહીં હોય ઠક્કર માં ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઈટ યુ શુડ ઈટ ઇન ધ ફર્સ્ટ આફ્ટર લંચ માં જવાનું I have not gone from last 10-15 years, I think. So, मैं बहुत, when I was small, my mom used to tell me to be goes to do. थक्कर में दाल भात और रोटी रसपूरी ढोकला बोकड़ा खमन ये सब आएगा तब वो सब दोनों खाएगा तुमने देखो अपन तो घर पे रोज खाते हैं वो मैं थोड़ी खाने जाएगा वो उधर so go to Queso Andheri then maybe must check
क्वेसो अंधेरी, क्वेसो अंधेरी हाँ पे वेस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट फन रिपब्लिक के कयो छे आपलो इन्फिनिटी एना बाजू में रोड के बाजू बाजू में हाँ फन रिपब्लिक हाँ फन रिपब्लिक फन रिपब्लिक क्या बोलो कयो मॉल छे इन्फिनिटी के कयो मॉल छे त्या अंधेरी इन्फिनिटी हाँ एना बाजू में चलो सुनो मेरी बात ध्यान से हाँ पहले 15 सम्स आपने रिव्यू कर लिए इस फेस में मैं आपको दो सम्स भेजता हूँ लास्ट टू सम्स इसके डर्टी पैस मॉडल पे छोटा सा सम है दो कॉपी करके लिख लेना बुक में काम की चीज है ठीक है आगे के कल के सेशन में पहले वो चार सम छोटे वाले खत्म करेंगे और फिर ये सब सम्स के 16 से आगे जाके इसको रिकैप करके फिनिश करेंगे तो हमारा पूरा सिक्योर वैल्यूएशन चैप्टर जो है वो पूरा रैप अप होगा ठीक है सी यू टुमारो बाय कल का टाइम टेबल ऑलमोस्ट 12:30 या 1 से शुरू होगा ठीक है भूख लगी रखेगा तुम बोलो So morning is fine. Morning is good. Slot है 11 तक lecture है मेरे को. 11:30 तक. 11:30 तक lecture नहीं है. चला. Do you want me to keep? तुम लोग का है ना. मैं क्यों सुबह. I can keep them afternoon. But मुझे है ना तुम लोगों क्यों रखना इसके अंदर. तुम्हारा time खींच आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है. Because on that element. तो तुम लोग कहते हो तो तुम लोग चालू करो 1 बजे खाना खा के चालू करते हैं. एक बजे खाना खा लोगे ना दोनों एक मम्मी को बोलना एक बजे खाना खा ठीक है एक बजे खाना खा लो एक से साढ़े तीन में खत्म कर दूंगा ठीक है ओके थैंक यू सो मच